हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डायनेमिक नॉलेज गुरु में। मेरा नाम है विकास और आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो असिस्टेंट लोको पायलट का साइकोलॉजिकल टेस्ट हो रहा है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रिक्स टेस्ट, जो ईंटों का परीक्षण होता है। तो ईंटों का परीक्षण हम देखेंगे, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हम पूरी डिटेल में बात करेंगे और मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पर होती हैं ये सब बात करेंगे। फ्रेंड्स, मैं इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने ऑलरेडी स्मृति परीक्षण में हम लोगों ने जो मेमोरी टेस्ट था उसके सारे टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, जो 5 टाइप्स होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक से डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं कहूँगा कि ALP की एक अलग से प्लेलिस्ट है जिसमें काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, 20-25 वीडियोज़ अभी तक अपलोड किए हैं मैंने, उनको आप देख के बहुत अच्छा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और इसके बाद में फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक घड़ी टॉपिक पे 2 वीडियो बनाए हैं। और इसके बाद में जो रो कॉलम मतलब जो स्तंभ और पंक्ति वाला टॉपिक है, उस पर भी 2 वीडियोस बनाए हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर वीडियो की जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड करिए और ख़ुद से प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि जिस टाइप के क्वेश्चन हमें सबसे ज़्यादा ईजी लगते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन में मोस्टली स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। जैसा कि मैं अगला वीडियो जो आएगा वो सिमिलरिटी में आएगा कि सिमिलर फिगर छांटने होंगे, तो उसमें फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा आप RRB सिकंदराबाद की वेबसाइट पे जाके उसका रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट का। तो उसमें आप देखेंगे कि जो सबसे इजी टॉपिक होते हैं, जैसे सिमिलर फिगर छांटना या ऑड छांटना है, तो उनमें सबसे ज़्यादा फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं ब्रिक टेस्ट। तो इसमें क्या है ईंट परीक्षण, इसमें फ्रेंड्स क्या होगा कि यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि 50 प्रश्न होंगे और 10 उपखंडों में बटे होंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, और एक में क्या होगा कि 5 क्वेश्चन होंगे, मतलब एक ईंट का ढेर होगा जैसे कि ये दिया गया है और इसमें 5 क्वेश्चंस होंगे, ऐसे हमारे पास 10 ईंट के ढेर होंगे। तो टोटल क्वेश्चन फ्रेंड्स हो जाएंगे 50 और इनके लिए हमारे पास टाइम होगा वो होगा 5 मिनट। तो हमें इस हिसाब से प्रैक्टिस करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर्स कर सकें। और फ्रेंड्स, आप लोगों को पता भी होगा कि 30% मार्क्स हैं वो हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट के ऐड होंगे। तो फ्रेंड्स, ये बात आपको याद रखनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा, एक क्वेश्चन दिया होगा जैसे कि ये एक क्वेश्चन है और इसमें हमें ईंटों की संख्या बतानी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप समझने की कोशिश करना कि क्या होता है जो ईंट होती है। तो ईंट एक घनाभ के आकार की होती है, जैसे कि इस तरीके से मैं एक घनाभ को बनाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये एक ईंट बन गई है। तो फ्रेंड्स, एक घनाभ में या एक क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं, जो फेस होते हैं वो 6 होते हैं, 6 होते हैं, जैसे कि एक ये रहा और इस वाले के सामने एक इधर रहा 2 और इसके सामने एक इधर रहा 4 और एक ये रहा और नीचे रहा, तो टोटल हो गए 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें ये देखना है कि कोई ईंट कॉर्नर से टच कर रही है, हमें इससे मतलब नहीं, हमें देखना है कि फेस कितने टच कर रहे हैं। ठीक है, इस हिसाब से हम हैंडल करेंगे, बहुत कम टाइम में फ्रेंड्स बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यह है कि वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ना ही ज़्यादा स्पीड में चलाइएगा, क्योंकि कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मतलब कोई भी इम्पॉर्टेंट बात जो मतलब इस PDF में नहीं है और मैं बोलूँगा तो वो आपसे मिस ना हो। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें क्या है फ्रेंड्स, हम सबसे पहले देखो क्या होगा कि ABCDE 5 ईंटें होंगी, इनमें से हमें बताना कि कौन सी टच कर रही है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि सबसे पहले वीडियो को पॉज करें और उसके बाद में ABCDE 5 के अपने आप से आंसर दे, मतलब नोट करें कहीं पे एक पेज पे कि ए का ये है, बी का ये है, सी का ये है, डी का ये, ई का ये, आपके अकॉर्डिंग। फिर जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ से, मतलब उसके आंसर से आप मैच करिए और फिर देखिए कि आप गलतियाँ कहाँ पे कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि ए ईंट। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया कि आपको जो 6 फेस दिए गए थे, हमें फेस पे ही कंसंट्रेट करना है। तो देखो फ्रेंड्स, ए ईंट इस साइड से तो टच नहीं कर रही है, ना ही उस साइड से टच कर रही होगी, तो 2 फेस तो खाली चलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नीचे से कितने से टच कर रही है। तो फ्रेंड्स, नीचे से आप देखेंगे एक तो इधर से टच कर रही है, लेकिन ये ईंट लंबी लंबी गई है, तो देख रहे हैं यहाँ पर 2 ईंटें हैं, ये यहाँ पर 2 ईंटें हैं, तो नीचे 2 से टच कर रही है, ये गलती हो जाती है। और अगर देखें इस साइड से तो 1 से टच कर रही है, अब इस साइड से देखेंगे तो 2 से टच कर रही है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, और ऊपर देखेंगे तो ऊपर क्या है, 1 से टच कर रही है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6। तो पहले का आंसर हो जाएगा 6। तो फ्रेंड्स, समझ गए होंगे ये कि किस तरीके से, नहीं समझ आया तो फिर से देख लीजिए कि नीचे क्या है। नीचे देखो 2 तरीके की ईंटें हैं यहाँ पर,
ये एक के नीचे पे आ रही हैं, नीचे टच कर रही हैं, क्योंकि लंबी लंबी ऐसे ईंटें हैं, और एक ईंट अगर ऐसे ऊपर से रखी है तो ये तो दोनों को टच करेगी, तो नीचे से दो और साइड से एक इधर, और इधर क्या है ये दो, तो तीन और दो पाँच, और ऊपर देखें तो ये वाली। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो गया पहले का 6। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि बी ईंट कितने को टच कर रही है, तो बी ईंट का देखेंगे तो इस साइड नहीं टच कर रही है, नीचे का देखते हैं तो नीचे देखो फ्रेंड्स एक ही ईंट है ये लंबी वाली, तो नीचे एक को कर रही है। इसके बाद इस साइड में देखते हैं, इस साइड में क्या है एक को कर रही है, और फ्रेंड्स ऊपर देखते हैं ऊपर एच को कर रही है और ई को भी कर रही है, तो दो को कर रही है, तो टोटल हो गया बी का आंसर हो गया 4। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं सी के, सी के लिए क्या है, नीचे तो टच नहीं कर रही है, अब साइड में देखें तो कर रही है, एफ़ को टच कर रही है। इसके बाद फ्रेंड्स देखो ऊपर कितने को टच कर रही है, तो यहाँ ऊपर आपको लगेगा डी को ही टच कर रही है, लेकिन आप ये देखिए कि सी ईंट है वो अंदर तक गई है यहाँ तक, और इसके ऊपर से क्या है कि डी ईंट है वो तो इस तरीके से रखी हुई है। उसके बाद एक ईंट ए भी है जो ये वाली है, ये भी तो सी के ऊपर है, और इसके बाद एक ईंट जी भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे क्या है, सी ईंट एक तो एफ से टच कर रही है, दूसरा किससे कर रही है, डी से कर रही है, उसके बाद कर रही है ए से कर रही है, और जी से कर रही है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 4। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 30% मार्क्स भी ऐड होंगे, और हर एक टेस्ट बैटरी में 42% चाहिए होंगे क्वालिफाई करने के लिए, और फ्रेंड्स रिजल्ट काफ़ी पुअर जाता है साइकोलॉजिकल टेस्ट का, तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं डी, डी में फ्रेंड्स क्या है, हम वही देखेंगे साइड में तो कर नहीं रही है, नीचे देखेंगे तो दो ईंटों को टच कर रही है, मतलब एफ़ और सी को, और इस साइड में देखेंगे कर रही है ए को कर रही है, और ऊपर देखेंगे तो ऊपर कर रही है बी को, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 4। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं ई, ई को कितने से टच कर रही है, तो ई को एक तो एच टच कर रही है, इसके बाद फ्रेंड्स नीचे देखेंगे, नीचे बी टच कर रही है, इसके अलावा कोई भी ईंट टच नहीं कर रही है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 2। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इन 5 में से, बाकी की हम अभी दो क्वेश्चन और लगाएंगे, तो आप उन्हें देखिए और उनमें भी सेम पैटर्न फॉलो करिए। फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल डायनेमिक नॉलेज गुरु को रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और पास में एक बेल आइकन है, बेल आइकन को दबाने से आपको बहुत फ़ायदा होगा, बेल आइकन को दबा दें, इससे जो भी मैं नई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। इससे आप देखते हैं ए, ए यहां पे आ गया है, ए को देखिए, बी को देखिए, सी डी ई, और यहां पे आप अपने हिसाब से इसके आंसर्स नोट करिए, उसके बाद देखिए कि आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, और टाइम के हिसाब से करिए आप। ठीक है, मैं तो समझाने के लिए जल्दी जल्दी नहीं बता सकता हूँ, तो फ्रेंड्स स्पीड हमारी नहीं देखनी है, स्पीड आपको अपनी मेंटेन करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको अपनी स्पीड मेंटेन रखनी है। चलिए फ्रेंड देखते हैं ए को, ए क्या है, नीचे कितने को टच कर रही है, एच को और जे को। ठीक है फ्रेंड्स, और साइड में किसको कर रही है, बी को, और फ्रेंड्स ऊपर कितने को कर रही है, ऊपर देखो आई को भी टच कर रही है, एफ़ को भी टच कर रही है, और डी को भी टच कर रही है, तो फ्रेंड्स टोटल कितने हो गए 6। तो फ्रेंड्स इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, 10 सेकंड में आप बड़े आराम से कर लेंगे, और अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 5 सेकंड में कर लेंगे। अब आप लगा सकते हो कि 5 सेकंड में अगर क्वेश्चन कर लेते हैं तो 50 क्वेश्चन होंगे, तो 250 सेकंड लगेंगे, 250 सेकंड का मतलब लगभग 4 मिनट में आप क्वेश्चन कर लेंगे, और पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आपके अच्छा स्कोर हो जाएगा इसमें। तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए देखते हैं बी, बी में क्या है फ्रेंड्स, नीचे देखते हैं, तो नीचे आप ध्यान से देखिए कि नीचे एच को टच कर रही है और जे को भी टच कर रही है बी वाली ईंट, क्योंकि ये लंबी लंबी ईंट ऐसे गई है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे करके ये ईंट गई है, ये तो देखो एच को भी टच कर रही है और जे को भी कर रही है। इसके बाद देखते हैं कि ए को भी टच कर रही है, और बी के ऊपर और कितनी ईंट है, देखो आई को भी टच कर रही है, आई के ऊपर रखी हुई है, और एफ़ को भी टच कर रही है, और फ्रंट डी को भी टच कर रही है। समझ आ गया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। चलिए फ्रेंड देखते हैं सी, सी में क्या है फ्रेंड्स, इस साइड में टच कर रही है ई को, और ऊपर क्या टच कर रही है एच को, और कर रही है जे को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। चलिए देखते हैं डी को, डी क्या है, ऊपर टच कर रही है जी को, और साइड में टच कर रही है एफ़ को, और फ्रेंड्स नीचे देखिए, नीचे डी वाली ईंट है वो ए को तो टच ही कर रही है, लेकिन ये बी को भी टच कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स,
क्योंकि ये ईंट अंदर तक गई है और जैसे ए ऐसी है और बी ये है तो टच कर रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। इसमें फ्रेंड्स बहुत गलती हो जाती है, हमें लगता है कि बहुत क्वेश्चन ईजी है लेकिन प्रैक्टिस कम होती है और ज़्यादा स्पीड के चक्कर में गलतियाँ हो जाती हैं, तो उस पर हमें काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं ई। ई में फ्रेंड्स देखते हैं कि सी को टच कर रही है और ऊपर में देखते हैं तो एच को टच कर रही है और जे को टच कर रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये आंसर्स हैं। इसके बाद हम एक एग्जांपल नंबर 3 भी देख लेते हैं। इस टाइप से मैं प्रैक्टिस कराता रहूँगा, आप PDF डाउनलोड करके खुद से प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे। अगर आपके CVT 2A में जैसा कि आंसर की आ रही है तो अगर इसमें मार्क्स कम आ रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको मार्क्स तो नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन आप ये है कि ये 30% में आप अच्छा स्कोर करके अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं और मेरिट में आ सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स होता ऐसा है कि जिन लोगों के अच्छे मार्क्स होते हैं, ज़्यादा अच्छे मार्क्स होते हैं, तो उनमें से बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसे ही उन्हें कोई इंटरेस्ट खास नहीं होता है LP की जॉब में, लेकिन वो फॉर्म डाल देते हैं, तो वो लोग साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं करते हैं, इसलिए वो फेल भी हो जाते हैं या उनके मार्क्स कम आते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग अपना अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं, CVT 2A में जो मार्क्स कमाए हैं उसमें अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट में अच्छा स्कोर करके। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसमें ABCDE। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी मैं कहूँगा कि वीडियो को पाउज करके अपने आप से आंसर देखें, उसके बाद में मैं जो बता रहा हूँ उससे मैच करिए। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं ए देखो नीचे ई को टच कर रही है और डी को टच कर रही है, ठीक है फ्रेंड्स। अब साइड में देखें सी को कर रही है और इस साइड में देखें तो बी को कर रही है और ऊपर देखें तो एच को कर रही है, तो फ्रेंड्स टोटल ईटें हो गई 5। देखते हैं बी ई को कर रही है नीचे से और एफ को कर रही है ऊपर से और साइड में कर रही है ए और एच को, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 4। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये डाउट हो कि हमारे सामने से ये इमेज हटा दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, इमेज नहीं हटाई जाएगी, इमेज में देख के ही आपको करना है। चलिए देखते हैं सी नीचे से टच कर रही है डी को और ये ए को कर रही है, एच को कर रही है, एफ को कर रही है, तो ए एच और जी मतलब सी का भी आंसर हो जाएगा 4। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं डी देखो नीचे कर रही है आई से और जे से और साइड में कर रही है ई से और ऊपर कर रही है सी से और साथ साथ में कर रही है ए से भी, यहाँ पे देख सकते हैं इसके डी के ऊपर ए रखी है और सी भी रखी है, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं ई नीचे टच कर रही है। फ्रेंड्स ई कितने को टच कर रही है आप बताइए, ई देखो आई को टच कर रही है और साथ में जे को भी टच कर रही है क्योंकि ई वाली ईट है वो अंदर ऐसे गई है, ठीक है फ्रेंड्स। और साइड में टच कर रही है डी को और ऊपर टच कर रही है ए को और साथ में कर रही है इस बी को भी क्योंकि बी के ऊपर रखी, तो टोटल हो जाएगी 5। तो फ्रेंड्स इससे आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।